गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। दो नंबर का सम 30 है। इफ देयर रेशियो 1:2, अगर उनका रेशियो 1:2 है, फाइंड द नंबर्स। तो आपको दोनों नंबर्स बताने हैं। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड 2x। माना वो दो नंबर x और 2x हैं। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x प्लस 2x इक्वल टू 30, x प्लस 2x इक्वल टू 3x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करेंगे 10, x इक्वल टू 10। नंबर्स x 2x थे, x की वैल्यू 10, यहाँ भी x की वैल्यू रख देंगे तो 10 एंड 20 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से दुगने से एक अधिक है, इफ 2 एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम 1/3। अगर डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन हमारा 1/3 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो वह फ्रैक्शन याद करो। लेट द नोमिनेटर बी x, देन डिनोमिनेटर विल बी 2x+1। माना नोमिनेटर x है, तब डिनोमिनेटर 2x+1 होगा। फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा, x अपॉन 2x+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें डिनोमिनेटर में 2 जोड़ना है, 2 जोड़ देंगे डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन आपका क्या बन जाता है, 1/3। एक्स अपॉन 2x ऐसे रहेगा, 1+2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 1/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के x से करेंगे 3x, 1 की 2x+3 से करेंगे तो 2x+3। अब x वाले एक साथ कर लेंगे, 3x-2x इक्वल टू 3, 3x-2x इक्वल टू x इक्वल टू 3। अब ये x की वैल्यू उठा के हम फ्रैक्शन में रख देंगे, फ्रैक्शन इक्वल टू 3 अपॉन 2×3+1 इक्वल टू 3/2, 3 या 6+1 इक्वल टू 3/7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 8:5। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 8:5 है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 18 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। यदि बॉयज की संख्या गर्ल्स से 18 अधिक है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो क्लास में संख्या कितनी है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी 8x and 5x। माना बॉयज की संख्या 8x तथा गर्ल्स की संख्या 5x है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 8x इक्वल टू 5x+18, क्योंकि लड़कों की संख्या 18 अधिक है, इसलिए हम लड़कियों की संख्या में 18 जोड़ देंगे। अब x वाले एक तरफ कर लेंगे, 8x-5x=18, माइनस करेंगे 8x-5x, 3x=18, x=18/3, 3 6 18, x=6। नंबर ऑफ बॉयज 8x, x की वैल्यू रख देंगे हम 8×6 इक्वल टू 48। नंबर ऑफ गर्ल्स 5x, 5×6
6 इक्वल टू 30। टोटल स्ट्रेंथ 48 प्लस 30 इक्वल टू 78 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। अगर किसी रेक्टेंगल का पैरामीटर 13 सेंटीमीटर है एंड इट्स विथ इज टू होल 3/4 सेंटीमीटर, अगर उसकी चौड़ाई टू होल 3/4 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स लेंथ, तो उसकी लेंथ ज्ञात करो। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स, माना रेक्टेंगल की लंबाई एक्स है, देन पैरामीटर इक्वल टू 2 एल प्लस बी। पैरामीटर आपको दिया है 13, 2 लेंथ हमने मानी है एक्स, ब्रीथ है आपके 2 होल 3/4, 13 इक्वल टू 2, हम इसे मिक्स से इम्प्रॉपर में करेंगे, 4 2 जा 8, 3 11 अपॉन 4, 13 इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की एक्स से करेंगे 2x, 2 की 11 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 13 इक्वल टू 2x प्लस 11 अपॉन 2। अब हम 11 अपॉन 2 को 13 की तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 2x। एलसीएम लेंगे, 1 मानेंगे इसके नीचे, एलसीएम लेंगे 2, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 2x। 13 2 जा 26, 111 जा 11 अपॉन 2 इक्वल टू 2x। 26 में से 11 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 15 अपॉन 2, 2x, 2x इक्वल टू 15 अपॉन 2, x इक्वल टू 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में आ जाएगा ये, x इक्वल टू 15 अपॉन 4, x इक्वल टू, अब हम इसे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 3 होल 3 अपॉन 4 सेंटीमीटर आंसर। थैंक यू।